the school is a good time. That's a support game. So fun. जी दोस्तों, तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें मैं आपको बताऊंगा स्पेन के बारे में वो दिलचस्प मालूमात जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी ना आप जानते होंगे। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि वीडियो को आखिर तक देख लीजिए, क्योंकि ये इसमें बहुत सी मालूमात आप हासिल कर सकते हैं। स्पेन का सरकारी नाम स्पेन की बादशाही है, जबकि इसका कुल रकबा 5,05,990 स्क्वायर किलोमीटर है। तो रकबे के लिहाज से ये यूरोप का दूसरा बड़ा मुल्क है और इसकी कुल आबादी 4,67,54,778 है, जबकि आबादी के लिहाज से दुनिया में इसका 30वां नंबर है। स्पेन का कौमी जानवर बैल, कौमी दिन 12 अक्टूबर और कौमी गाना मर्चा असली है। 15वीं सदी से पहले यह बहुत सी रियासतों का मजमुआ था। 15वीं सदी के बाद ये मुतहद हो गए। इसमें बहुत सी ज़ुबानी बोली जाती है, इस वजह से इसको दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबानों का घर भी कहा जाता है। इसका कौमी ज़ुबान हस्पानवी है। दुनिया का सबसे बड़ा जैतून का तेल पैदा करने वाला इदारा स्पेन में है। जब जैतून के बारे में आप सोचते होंगे तो यकीनन आपके जहन में इटली का नाम आएगा, लेकिन हकीकत यह है कि स्पेन दुनिया का 44% जैतून का तेल पैदा करता है। इंडोनेशिया एक खिता है इसका, जहां जैतून का ज़्यादा तेल तैयार करता है। एक स्पेशल बात यह है कि स्पेन को कदीम रेस्तरां का घर भी कहा जाता है। यहाँ बोटेन नामी एक होटल है जो 1725 में खोला गया और अब तक चल रहा है, जो एक आलमी रिकॉर्ड भी है और ये स्पेन के शहर मैड्रिड में वाकया है। यहाँ पर स्पेन की रवायती खाने तैयार की जाते हैं। जिस तरह स्वीडन और बर्तानिया में एक बादशाह होता है, इस तरह स्पेन में भी एक बादशाह होता है, लेकिन उसके पास कवानीन और जवाबित पर हकीकी कंट्रोल हासिल नहीं होता। स्पेन में बंक का ज़ाती तौर पर इस्तेमाल कानूनी है, आप अपनी ज़ाती इस्तेमाल के लिए बंक काश कर सकते हैं, लेकिन अवामी तौर पर बंक या सिगरेट पीना कानूनी नहीं। जापान के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा उम्र पाने वाले लोगों में स्पेन के लोग शामिल है, उसको दूसरा नंबर हासिल है। यहाँ औसतन उम्र 82 साल है, जबकि औरतें इस मामले में मर्दों पर सबकत ले चुके हैं। औरतों की उम्र 83 साल जबकि मर्दों की उम्र 79 साल होते हैं। तो स्पेन के बारे में आपको हैरान कर देने वाली बात एक ये है कि अभी तक जितनी भी आलमी जंगें लड़ चुकी है, तो इसमें स्पेन ने बाज़ाबिता तौर पर हिस्सा नहीं लिया है। आबादी के लिहाज से स्पेन यूरोपीय यूनियन का 5वां बड़ा मुल्क है, जबकि दुनिया में ज़ाफ़रान पैदा करने वाला ईरान के बाद दूसरे नंबर पर आता है। और ख़ास बात यह है कि दुनिया में सबसे पहले सलाखों और आवामी जगहों पर सिगरेट नोशी पर पाबंदी लगाने वाला सबसे पहला नाम स्पेन का आता है।
जी दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे हौसला अफजाई के लिए लाइक कीजिए और साथ अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए। अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं वो दिलचस्प मालूमात जो आपके इल्म में इजाफे का सबब होता है।